कितना सुंदर लग रहा है फ्रेंड्स, देखिए कितना सुंदर सुंदर ठंडा ठंडा हवा चल रहा है। अभी हमारा बागेर बच्चा आ गया है, चलिए मैं जाके बैठ। स्वागत है आप सबको तानिश ड्रीम चैनल पर। तो अभी बज रहे सुबह का 4 और अभी हम लोग निकल चुके हैं कलकत्ता से भुवनेश्वर की ओर। तो भुवनेश्वर में मेरे ननद रहती है, तो उनके घर हम लोग जा रहे हैं अभी। तो सुबह का 4 बज रहे हैं और कलकत्ता से हम लोग निकल चुके हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, आप लोग भी शामिल हो जाइए हमारे इस सफर में। देखिए फ्रेंड्स, इधर पीछे सोम बैठा हुआ है और इधर हस्बैंड है और रास्ता बिल्कुल सुनसान है, खाली बिल्कुल है, क्योंकि अभी सुबह का 4 ही बज रहे हैं सिर्फ। तो चलिए सफर स्टार्ट करते हैं। थिएटर क्रॉस कर रहे हैं फ्रेंड्स, आप लोग देखिए सामने ही हम लोग विद्याशागर सेतु के ऊपर से जा रहे हैं। ये अभी अंधेरा है इसलिए आप लोगों को अच्छी तरह से शायद दिखाई नहीं दे रहा है। तो देखिए हुगली रिवर के ऊपर से हम लोग क्रॉस कर रहे हैं। देखिए हमारे पीछे वाले बैक साइड में कलकत्ता है और सामने है हावड़ा डिस्ट्रिक्ट। तो फ्रेंड्स अभी हम लोग कोना एक्सप्रेस वे से गुजर रहे हैं, इधर हमारा टोल देना पड़ेगा। इस टोल में फास्ट टैग नहीं चला, 10 रुपए लगा। तो फ्रेंड्स अभी हम लोग हावड़ा में पहुंच चुके हैं और दूर में जो बिल्डिंग दिखाई दे रहे हैं, दूर में ऊंचा जो बिल्डिंग दिखाई दे रहा है राइट साइड में, वो नवान्नों का बिल्डिंग है। नवान्नों जो कि है इधर के चीफ मिनिस्टर, मतलब वेस्ट बंगाल के चीफ मिनिस्टर के ऑफिस है ये, इसका नाम है रखा गया है नवान्नों। तो ये हावड़ा में फ्रेंड्स अभी हम लोग खड़े हैं खट्टे मीठे होटल ढाबा के बगल में, एक छोटा सा चाय का दुकान है आए हैं। देखिए खट्टा मीठा होटल ढाबा, उसके बगल में एक छोटा सा चाय का है। तो उधर चाय पीने के लिए आ गए हैं। अभी 4:54 हो रहे हैं टाइम, 1 घंटा करीब हो गया हमारा सफर स्टार्ट किए हुए। तो अभी भी बाहर बहुत ही अंधेरा है लेकिन चांद दिखाई दे रहा है, क्योंकि कल था होली, होली का चांद दे रहा है। देखिए फ्रेंड्स आप लोगों को दिखाती हूँ मैं, ये देखिए दूर में दिखाई दे रहा है छोटा सा ऊपर, वो है चांद। तो और पीछे सोम अभी तक लेटे हुए थे, थोड़ा सा 1 घंटा करीब लेटा था, अभी उठ के बैठ गया। क्या कर रहे हो? थोड़ा सा फोन में कुछ देख रहे हैं शायद। और हस्बैंड गए हुए हैं चाय पीने, मैं बैठी हूँ। मुझे चाय पीने का उतना, मतलब आप लोगों को पहले भी मैंने बताया, उतना ज़्यादा क्रेज नहीं है चाय पीने का, तो अभी नहीं पीऊंगी। नेक्स्ट टाइम जब चाय पीना होगा तब पीऊंगी, थोड़ा सा सुबह हो जाए। अंधेरे में अभी रात का चाय का फील आएगा, थोड़ा सा सुबह हो जाए तो अच्छा लगेगा। तो मैं आज बहुत खुश हूँ क्योंकि आज जा रही हूँ ननद के घर। उधर मेरे ननद की जो बेटी है तितली, वो उससे मिलने के लिए बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ, क्योंकि वो मतलब बहुत प्यार करते हैं मुझसे, उसके भाई से। तो तितली से मिलने के लिए बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ हम लोग। तो चलिए फ्रेंड्स थोड़ी देर बाद फिर से, थोड़ा सा सुबह हो जाए फिर बाहर का नजर आप लोगों को दिखाते हैं। तो फ्रेंड्स अभी हम लोग कोलाघाट क्रॉस कर रहे हैं। देखिए ये कोलाघाट है, हम लोग हावड़ा को क्रॉस करके आ गए और सामने है मेदिनीपुर डिस्ट्रिक्ट। तो फ्रेंड्स अभी सुबह हो गया है, अंधेरा कट गया और थोड़ा सा रोशनी दिखाई दिया। तो मैंने सोचा थोड़ा सा इनके कांच के सामने, मतलब गाड़ी के कांच में थोड़ा सा धुंधला हो गया था, फॉग हो गया था, धूल मिट्टी भी बहुत हो रहे थे, तो इसी वजह से चलाने में तो थोड़ा सा दिक्कत हो रहा था इनको। तो मैंने सोचा थोड़ा सा ये साफ़ कर दूँ, और मेरे भी सामने जो कांच है वो, उसमें भी मैं थोड़ा सा कॉलिन लगा दिया ताकि साफ़ कर दिया, क्योंकि मेरा भी वीडियो कर रही थी मैं और धुंधला हो जा रहे थे तो दिखाई नहीं दे रहा था ठीक से, तो इसलिए मैंने ये थोड़ा सा साफ कर दिया।
तो फ्रेंड्स अभी हमारा सेकंड टी ब्रेक है, तो हस्बैंड गया है टी का ऑर्डर देने। अभी भी हम लोग बंगाल के अंदर ही है, वेस्ट बंगाल के अंदर ही। पीछे शोम सो रहा है, तो चलिए अभी जाके चाय पीते हैं। देवराज होटल एंड ढाबा, इसका नाम है देवराज होटल एंड ढाबा। उधर से शाम दिखाई दे रहा है, देखिए बिल्कुल सूरज उग गया है, 6 बज रहे सुबह का। इधर तो झूला भी है, झूले में अभी झूलना है मुझे। तो फ्रेंड्स इधर झूला झूलते झूलते मैंने चाय पी लिया, और एक बंगाली फैमिली भी आए थे, वो लोग पूरी जा रहे थे, तो उन लोगों से बहुत बातचीत हुआ, बहुत ही अच्छा लगा। तो फ्रेंड्स अभी हम लोग बंगाल के अंदर ही है, वेस्ट बंगाल के अंदर मेदिनीपुर डिस्ट्रिक्ट में है। तो ये सीधा रास्ता अभी जाएगा सीधा बालेश्वर, तो बालेश्वर से हम लोग एंटर करेंगे उड़ीसा के अंदर। तो अभी हम लोग जा रहे हैं सीधा बालेश्वर की तरफ। खेती के अंदर से मैं आ रही हूँ, थोड़ा सा कार को साइड में रुक के हम लोग ये एंजॉय करने के लिए व्यू आ गए हैं। इतना सुंदर सुंदर ठंडा ठंडा हवा चल रहा है, ऊपर सन दिखाई दे रहा है देखिए, और इधर है धान का खेती, देख के मन बिल्कुल खुश हो गया है। हम लोग शहर में रहते हैं, ये सब बहुत मिस करते हैं, और मुझे बहुत पसंद है ये सब नेचर के पास रहना। तो चलिए फ्रेंड्स अभी ब्रेक खत्म हो गया है, अभी चलते हैं फिर आगे। कार लेके सफर करने का यही एक मजा है, बीच बीच में रुक के अपना टाइम स्पेंड करें नेचर के साथ थोड़ा सा। क्यों मैं बाद में देखूंगी, मैं बहुत याद करूंगी ये सब जगह को, सच में फ्रेंड्स बहुत अच्छा लग रहा है। अभी हमारा बागेर बच्चा आ गया है, चलिए मैं जाके बैठ जाती हूँ। शोम बेचारा सो रहे है, उसने एंजॉय नहीं कर पाए, बाद में वो वीडियो देख लेगा। तो फ्रेंड्स अभी बालेश्वर आने वाले हैं, बालेश्वर आने में अभी 58 किलोमीटर दिखाया थोड़ी देर पहले मैंने देखा, और उसके बाद भुवनेश्वर आएगा। तो भुवनेश्वर का अभी डिस्टेंस दिखा रहा है 253 किलोमीटर इधर से। तो बस हम लोग बंगाल को क्रॉस कर रहे हैं धीरे धीरे, इतने दिन से प्लान कर रहे थे आने का, वेस्ट बंगाल छोड़ने से मतलब छोड़ के जाने में बहुत ही दुख हो रहा है अब, मतलब क्योंकि बहुत दिनों से हम लोगों ने प्लान किया था आने के लिए, ऐसे ड्राइव करके हम लोग आएंगे दिल्ली से लेके घर तक। तो अभी वापस जाने में थोड़ा सा तो दुख हो रहा है, क्योंकि एक टोल गेट के पास आ गए है बस। तो फ्रेंड्स मैं जो बोल रही थी, जो आने का एक अलग खुशी होता है, पैकिंग करने का घर से मतलब कलकत्ता आने के लिए बहुत ही मन खुशी होता है बहुत दिनों से, लेकिन अब जाने का टाइम जब पास आ रहा है तो थोड़ा सा दुख तो हो रहा है। बस भुवनेश्वर में हम लोग 3-4 दिन रुकेंगे, उसके बाद हम लोग वापस चले जाएंगे दिल्ली। दिल्ली जाने के टाइम हम लोग बिहार में गया करके एक जगह है गया, उधर जाएंगे, उधर कुछ काम है तो उधर वो काम खत्म करके फिर हम लोग दिल्ली वापस चले जाएंगे। तो बस यही है, थोड़ा सा आप लोगों के साथ ये मेरा मन की बात शेयर किया मैंने। तो चलिए आगे का रास्ता आप लोगों को दिखाते हैं। तो फ्रेंड्स अभी हम लोग ओडिशा में एंटर कर चुके हैं, तो हल्दीपाड़ा करके एक जगह है, उसके ऊपर से अभी हम लोग क्रॉस कर रहे हैं। और शोम पीछे देखिए सो रहे हैं, बहुत देर से सो रहा है, अभी भी सो रहे हैं, तो सोना है उसको, अच्छी तरह से सो जाए, उसका नींद पूरा हो जाए तो बहुत ही अच्छी बात है, क्योंकि घर जाने के बाद उसके बहन के साथ खेलने लगेगा तो फिर नींद वींद भूल जाएगा सब कुछ।
और मैं जो बोल रही थी कि ये जो रोड है ओडिशा का बहुत ही सुंदर रोड है। हम लोग बंगाल क्रॉस करके आ गए तो उधर का रोड भी बहुत ही अच्छा था और ये ओडिशा का रोड भी बिल्कुल बहुत ही मक्खन जैसा है। तो चलने में बहुत मज़ा आ रहा है, जाने में बहुत मज़ा आ रहा है, हम लोग बहुत एंजॉय कर रहे हैं ये ट्रिप। तो फ्रेंड्स अभी अभी एक रिवर को हम लोग क्रॉस किया है और अभी भुवनेश्वर पहुंचने में 2 घंटा 10 मिनट ही बाकी है। जो रिवर क्रॉस किया उसका नाम मुझे पता नहीं, मैंने टाइम हो रहा है 9:15 और अभी टेम्परेचर है 28 डिग्री, तो काफ़ी ज़्यादा गर्मी है इधर। तो चलिए फ्रेंड्स फिर आगे मिलते हैं। फ्रेंड्स अभी हम लोग कटक में एंटर कर रहे हैं, तो कटक से भुवनेश्वर अराउंड 30 किलोमीटर है और मेरे ननद के घर उधर से और 4 किलोमीटर के अंदर ही है। तो अभी सामने आ रहा है महानदी, आ रहे ये ओल्ड ब्रिज है और साइड में जो है वो न्यू ब्रिज है, देखिए महानदी रिवर। इस साइड दूसरे साइड में देखिए रेलवे ट्रैक है, तो अभी तो पानी बिल्कुल नहीं है रिवर में, देखिए बिल्कुल पानी नहीं है, इधर से दिखाई नहीं दे रहा है। ये देखिए फ्रेंड्स रिवर बिल्कुल पानी नहीं है इसमें। मैं इधर थोड़ा सा गाड़ को रुक के इधर वीडियो किया आप लोगों के लिए। देखिए फ्रेंड्स कटक सिटी में हम लोग एंटर कर चुके हैं, ये रहा कटक सिटी। पहले उड़ीसा का राजधानी तो कटक ही था, अभी भुवनेश्वर हो गया है। तो फ्रेंड्स अभी हम लोग भुवनेश्वर में एंट्री कर रहे हैं, देखिए और टाइम हो रहा है 10:30, एग्जैक्ट अभी 10:30 बज रहा है। हम लोग 2 घंटे एडवांस में आ गए हैं, पहले तो 12 बजे दिखा रहा था, 12:30 बजे दिखा रहा था गूगल मैप, अभी 2 घंटे पहले हम लोग पहुंच चुके हैं। बहुत ही अच्छा रोड था। तो ये रहा भुवनेश्वर सिटी। फ्रेंड्स अभी हम लोग IRC विलेज भुवनेश्वर में पहुंच चुके हैं, इधर से बिल्कुल 2 मिनट के रास्ता है मेरे ननद के घर। तो फ्रेंड्स आज का वीडियो फिर इतना तक ही रखते हैं, अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगे तो जरूर एक बार लाइक कर दीजिएगा और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।